KGF 2 की हाइप टू द मून थी और भाई KGF 3 को अभी सिर्फ मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया है और अभी से ही हम फैंस चैप्टर 3 को देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तो जहां मुझे लग रहा है कि चैप्टर 3 चैप्टर 2 से ज्यादा खतरनाक होने वाली है, वहीं मुझे ये भी लग रहा है कि चैप्टर 3 चैप्टर 2 से थोड़ा कम होगी, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो रॉकी मर गया है और पूरी फिल्म चैप्टर 3 सिर्फ फ्लैशबैक में होगी तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब हाँ, मजा तो आएगा लेकिन वो बात नहीं होगी। तो गाइज, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं KGF 3 के बारे में। आज हम देखेंगे कि चैप्टर 3 में क्या क्या हो सकता है। तो इस थ्योरी को समझते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि KGF चैप्टर 3 की फैन थ्योरी हमेशा से दो अजम्पशंस पे बन सकती है। पहला कि रॉकी सही में मर गया है और दूसरा कि रॉकी की डेथ फेक है और वो चैप्टर 3 में वापस आएगा। तो आज हम इन्हीं दोनों अजम्पशंस को कंसीडर करते हुए एक थ्योरी बनाने वाले हैं। तो पहला केस आता है कि रॉकी सही में मर गया है। तो मेकर्स ने चैप्टर 2 में रॉकी की डेथ को इतने अच्छे से दिखाया है, मतलब जब रॉकी पैदा हुआ था KGF भी उसी दिन मिली थी और KGF और रॉकी साथ ही खत्म हो गए हैं, बट स्टिल हम फैंस रॉकी की डेथ को असली मानने को राजी ही नहीं हैं। तो रॉकी अगर सही में मर गया है तो ये बात क्लियर है कि चैप्टर 3 में हमें वही 3 साल यानी 1978 टू 1981 की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स दिखेंगे। और अगर हम बात करें दूसरी कंट्री की तो वो होगी इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट और दुबई, क्योंकि चैप्टर 2 में हमें इन्हीं कंट्री के बारे में अभी तक पता चला है। जैसे देखो, जब रॉकी शिप में इंडियन ओशियंस में जा रहा होता है तब वहाँ पे उसका पीछा इंडोनेशियन नेवी भी कर रही होती है और US के ऑफिसर ही वो फाइल लेकर रमेका के पास आए थे। और साथ में हमें ये भी पता है कि इनायत खलील दुबई से था। तो इनके अलावा एक कंट्री का और नाम आया था, अफ्रीका, जिसके बारे में रॉकी इनायत खलील से बात कर रहा था। तो अफ्रीका का भी सीन डेफिनेटली होगा और क्योंकि इस केस के हिसाब से रॉकी मर गया है 1981 में, तो ये सारे सीन हमें एज ए स्टोरी सुनाए जाएंगे, मतलब सब कुछ फ्लैशबैक में होगा। लेकिन जो बड़ी बात है इस केस की वो ये होगी कि इनायत खलील जिंदा बच जाएगा और आई डोंट थिंक कि मेकर्स इनायत खलील और रॉकी की एक एक्चुअल फाइट को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये फाइट नहीं दिखाई जाएगी तो इनायत खलील को इतना बड़ा बिल्डअप क्यों दिया गया और इतना सारा स्क्रीन टाइम भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की, मतलब अगर रॉकी की डेथ फेक है तो क्या होगा चैप्टर 3 में। तो जैसा कि हमें चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन में ये पता चल ही गया है कि चैप्टर 3 में हमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स दिखेंगे, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक सीन ऐसा आएगा जिसमें रॉकी जिंदा दिखेगा और इस सीन में हमें रॉकी के वो बिगेस्ट प्लान के बारे में भी पता चल जाएगा कि रॉकी इतने सारे सोने के साथ इंडियन ओशंस में क्यों गया था। और अगर रॉकी जिंदा है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या सही में रॉकी और रमेका के बीच में कोई डील हुई थी या नहीं। अब क्योंकि इस केस के अनुसार रॉकी जिंदा है तो वो जो फाइट है रॉकी और इनायत खलील की वो डेफिनेटली हमें चैप्टर 3 में दिखेगी। और हमें ये भी पता है कि उस फाइट में इनायत खलील मर जाएगा, क्योंकि अगर वॉर होगी तो उसमें जीतेगा तो रॉकी ही। तो गाइज, ये थे वो दो केस जिनकी वजह से हम थ्योरी बना पाए चैप्टर 3 के बारे में। आई होप आपको चीजें थोड़ी समझ आई होगी। तो गाइज, आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी बताएं चैप्टर 3 के बारे में। तो गाइज, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।